क्या प्लान्स हैं रोबोट के डायरेक्टर के फिल्म 3.0 को लेकर? क्या इस बार चिट्टी सुपर हीरोज की लिस्ट में शामिल होने जा रहा है? क्या बनाया जाएगा फिल्म का तीसरा पार्ट 3.0? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज की एकदम नई वीडियो में। दोस्तों 2018 में आई भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित फिल्म रोबोट 2.0 एक मेगा बजट वाली फिल्म थी, जिसके लिए सभी दर्शक इसके फ्लोर पर आने से पहले ही काफी उत्सुक थे। सभी के मन में रजनीकांत को एक बार फिर से चिट्टी के किरदार में देखने के लिए उत्सुकता थी। वहीं उत्सुकता को और बढ़ाया गया जब सुनने में आया कि बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर अक्षय कुमार इस फिल्म में एज अ विलन नजर आने वाले हैं। हालांकि अक्षय अपनी फिल्मों में विलन का किरदार नहीं करते, लेकिन इस फिल्म की बात ही अलग थी। ऊपर से रजनीकांत के साथ काम करने का मौका और एकदम हटके किरदार और कहानी, ये सभी फैक्टर्स को देखते हुए अक्षय इस फिल्म से के लिए झट से राजी हो गए थे। फिल्म की बात करें तो 600 करोड़ के बजट में इस फिल्म को बनाया गया था। वहीं किरदारों और टेक्नोलॉजी के मामले में फिल्म उम्मीदों पर खड़ी उतरी। अक्षय कुमार को इस फिल्म में एक साइंटिस्ट का किरदार दिया गया था, जो टेक्नोलॉजी और बढ़ती तकनीकों की वजह से पक्षियों को पहुंचने वाले नुकसान से बेहद चिंतित थे। अक्षय कुमार की तकनीक के खिलाफ इस लड़ाई में वो गुजर तो जाते हैं, लेकिन कई गुना शक्तिशाली रूप में वापस लौट आते हैं और टेक्नोलॉजी की मदद से ही लोगों से बदला लेते हैं और फिर उन्हें रोकने के लिए रोबोट चिट्टी को वापस बुलाया जाता है। इस फिल्म में चिट्टी के साथ एमी जैक्सन भी एक रोबोट के किरदार में नजर आई थी। क्रिटिक्स ने विशेष रूप से फिल्म के दृश्य प्रभाव, रजनीकांत और अक्षय की परफॉर्मेंस, साथ ही साथ सामाजिक संदेश देने के लिए सराहना की और अप्रिशिएट भी किया। फिल्म ने विश्व भर में 700 करोड़ की कमाई की थी और रजनीकांत की पिछली फिल्म लिंगा से अब तक के जीवन काल की कमाई को केवल 2 दिनों के अंदर ही इस फिल्म ने पार कर लिया। तमिल के साथ साथ फिल्म को 13 और अलग भाषाओं में रिलीज किया गया था। फिल्म का रिलीज होने से पहले ये साफ दिखाई दे रहा था कि फिल्म के मेकर्स इस फिल्म को लेकर बहुत एक्साइटेड थे। उनका सपना था कि ये फिल्म इंडियन सिनेमा में एक नया रिकॉर्ड कायम करे। जहां साइंटिफिक फिल्में कम ही देखने को मिलती हैं, वहां इतनी मेहनत तो टेक्नोलॉजी के दम पर बनाई गई इस फिल्म से सभी को बहुत उम्मीदें थी और ये सुपरहिट साबित भी हुई। आपको बता दें कि इस फिल्म के तीसरे भाग यानी कि रोबोट 3.2 की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। फिल्म के डायरेक्टर एस शंकर चाहते हैं कि इस फिल्म को बहुत ही बड़े स्तर पर रिलीज किया जाए, जहां सुपर हीरोज की लिस्ट में सबकी जुबां पर रोबोट चिट्टी का ही नाम आए और ये फिल्म एक सुपर हीरो फ्रेंचाइजी में बदल जाए। अब हो सके तो इसके लिए वो इंडियन सिनेमा के दूसरे सुपर हीरोज को भी चिट्टी से मिलाने में नहीं कतराएंगे। निर्देशक ने हाल ही में बताया है कि वे 3.2 बनाने का सोच विचार कर रहे हैं, जहां रजनीकांत का नजर आना भी पक्का है। वो चाहते हैं कि रोबोट के पार्ट्स को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन ऐसा वो तभी करेंगे जब एक बेहद ही क्रिएटिव स्क्रिप्ट उनके हाथ लगेगी। वे सिर्फ बनाने के मकसद से इस फिल्म को नहीं बनाएंगे, बल्कि एक बेहतरीन स्टोरी के मामले में भी इस फिल्म को दर्शकों के सामने पेश करेंगे, जिसे ऑडियंस एंजॉय कर पाए। अब इतनी बड़ी फिल्म बनाने में समय लगना भी पक्का है, जहां साथ ही सेट, VFX, स्क्रीन प्ले, विजुअल्स, कॉस्ट्यूम्स और टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान दिया जाएगा। अब शंकर का कहना है कि अगर कोई बेहतरीन स्टोरी उनके हाथ लगती है तो वे जल्द ही इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर देंगे। फिलहाल तो उन्हें एक अच्छी स्क्रिप्ट की तलाश है। उनका कहना है कि अगर ऐसा होता है तो वे रावण या कृष जैसे सुपरस्टार्स को भी स्क्रीन पर लाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों आपकी इसके बारे में क्या राय है? क्या आप भी चिट्टी के साथ बाकी सुपर हीरोज को देखना पसंद करेंगे या फिर एक नए सुपर हीरो की एंट्री में होनी चाहिए इस फिल्म में? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करें। आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है मुस्कान चावला ने।